दिन इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के बिड़हर घाट पर, जहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग भौनी अमावस्या के दिन सरजू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज बिड़हर घाट पे आए हैं और श्रद्धा की डुबकी सरजू नदी में लगा रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है एक नाव में, जहाँ पे कुछ यात्री भी बैठे हमारे साथ, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि आया जो पर्व है भौनी अमावस्या कड़ाके की ठंड में लोग किस तरह स्नान करने आए। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग कैसे स्नान करने के लिए आ गए? जो है श्रद्धा है स्नान करने का, जी जी, इसलिए जो है हम लोग दूर से चल करके आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं दंगटा के उधर से। जी, हमारे साथ एक और भाई 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 साहब, आज कौन सा त्यौहार है, कहाँ स्नान करने आए हैं? ये सरयू नदी है, बिराड़ घाट है जी जी, कभी नगर में जी, और मौनी अमावस्या है आज जी, और ये हम लोग यहाँ पे स्नान करने आए हैं। किस चीज पे बैठे हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, ये नाव है एक, ये घूमने के लिए बनी हुई है, इसलिए इसमें आप घूम रहे हैं लोग जी, और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें घूम के, और लोग स्नान भी कर रहे हैं। आज एक भाभी जी, उनसे भी जानकारी दे, क्या नाम है आपका? चाचा। चाचा जी, इस समय किस कहाँ सैर कर रही हैं? नाव से डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, डर नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज कहाँ पे आई हैं आप? हम लोग बिहार घाट पे आए थे, बेना था, लेकिन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है साथ में, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे और भाई हैं, क्या नाम है आपका भाई? दीपक चौहान। दीपक चौहान जी, कहाँ आए हैं आप? यहाँ बिड़हर घाट पे नहाने के लिए। नाव पे डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ पे श्रद्धालुओं से बात करने पे पता चला, लोगों ने बताया काफी आनंद आया, ठंडी के महीने में लोगों को डर नहीं लगा, आज मौनी अमावस्या के दिन लोग बिड़हर घाट सरजू नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद नाव का सैर किए। एबीएस न्यूज, अमित प्रताप, संत कवि नगर।